नमस्कार, बीसीएन न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपदा विपत्ति आना आजकल एक आम बात हो गई है। आए दिन देश विदेश से इस प्रकार की प्रमुख खबरें आती रहती है। इसी के चलते आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपदा विपत्ति में जो नुकसान और मौतें होती है, इस आंकड़े को रोकने के लिए और रिस्क कम करने के लिए हर साल 13 अक्टूबर को जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान किया जाता है। दुनिया में हर साल प्राकृतिक आपदाओं के आंकड़े बेहद बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर विश्व भर में 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर के दूसरे बुधवार को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। इस घटना को 1990 से 1999 के प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान प्रतिवर्ष जाता था। 20 दिसंबर 2001 को विधानसभा ने आपदा से बचाव, शमन और तैयारी सहित प्राकृतिक आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पालन को बनाए रखने का निर्णय लिया। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक स्तर पर आपदाओं के खतरों को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के तरीकों, समाधान और योजनाओं को पूरा करने के साथ बढ़ावा देने के उद्देश्य से तय किया गया था। सिराई सेवन अभियान को UNDRR ने शुरू किया था। इसमें भूकंप, सुनामी, बाढ़, बिजली गिरना जैसे आपदाओं से निपटने यानी आपदाओं के नुकसान को कम करने के लिए 7 लक्ष्यों का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। नई पीढ़ी के इस दौर में आज भी काफी कुछ ऐसा है जो पुराना अच्छा लगता है। युवा पीढ़ी भले ही नेटफ्लिक्स की सीरीज, गानों के रिमिक्स और पबजी के गेम में उलझी हो, लेकिन वो खुद को भी सुकून दिलाने के लिए कुछ पुराने तरीके की ओर कदम बढ़ाती है। किसी शायर की शायरी हो, किशोर मुकेश के गाने हो या फिर नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली हो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में भी छाई रहती है और इनकी अलग फैंसी फॉलोइंग है। आज ही के दिन 1948 में जन्म हुआ था नुसरत अली खान का। भारत से ताल्लुक रखने वाले नुसरत फतेह अली खान भले ही पाकिस्तान कव्वाल थी, लेकिन हिंदुस्तान में उन्हें काफी चाहा गया और वो प्यार आज तक जारी है। नुसरत का परिवार आजादी से पहले पंजाब के जालंधर में रहता था, लेकिन बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चला गया और फैसलाबाद में जाकर बसा। उनके परिवार का कव्वाली से काफी पुराना रिश्ता है और ये घराना करीब 600 साल से चलता आ रहा है। बंटवारे के कुछ वक्त बाद ही नुसरत फतेह अली खान का जन्म फैसलाबाद में हुआ। उनके घर में कव्वाली का माहौल था। पिता फतेह अली खान, चाचा मुबारक अली खान और सलामत अली खान कव्वाली ही गाते थे और यही खानदानी पेशा रहा। बचपन से ही ऐसा माहौल होने के कारण नुसरत और उनके भाई फारूक फतेह अली खान को गाना, हारमोनियम बजाना और संगीत से ही जुड़ी कुछ दूसरी तालीम दी जाती रही। भले ही बच्चों का मन ना करता हो, लेकिन तालीम जरूर दी जाती थी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में नुसरत फतेह अली खान ने गाना गाया। उनके द्वारा गाए गानों को बार बार बॉलीवुड ने इस्तेमाल भी किया, लेकिन बॉलीवुड के साथ जुड़ने और हिंदुस्तान आने का भी एक अलग किस्सा रहा। नुसरत फतेह अली खान को सबसे पहले राज कपूर ने मुंबई आने को कहा, जिसमें उनके प्रोडक्शन की फिल्मों में गाने गाने की बात हुई। लेकिन नुसरत ने एल्बम कम्पोज करने से पहले ही एक शर्त रख दी कि कम से कम एक गाना लता मंगेशकर जरूर गाएगी, जिसके बाद नुसरत फतेह अली खान और लता मंगेशकर ने ऊपर खुदा आसमान नीचे गाने में साथ काम किया। इसके बाद नुसरत फतेह अली खान कभी भारत तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कई दूसरी फिल्मों के लिए गाने गाए और कंपोज जरूर किए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी किशोर कुमार न केवल एक बेहतरीन नायक बल्कि संगीतकार, लेखक, निर्माता और निर्देशक थे। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार का निधन आज ही के दिन यानी 13 अक्टूबर 1987 को हुआ था। धनी परिवार में जन्मे किशोर कुमार का बचपन से ही एक सपना था। किशोर अपने बड़े भाई अशोक कुमार से ज्यादा पैसे कमाने चाहते थे। उनके पसंदीदा गायक KL सहगल थे। किशोर हमेशा से उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। किशोर 4 भाई बहनों अशोक कुमार, सती देवी, अनुप कुमार में सबसे छोटे थे। 70 और 80 के दशक में किशोर कुमार सबसे महंगे सिंगर थे। उन्होंने उस वक्त के सभी बड़े कलाकारों के लिए अपनी आवाज दी। खासकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए उनकी आवाज बेहद पसंद की जाती थी। राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में किशोर का बड़ा योगदान माना जाता है।
मुंबई में रहने के बावजूद किशोर कुमार का मन हमेशा अपने जन्मस्थान खंडवा में रमा रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कौन मूर्ख इस शहर में रहना चाहता है, यहाँ हर कोई दूसरे का इस्तेमाल करना चाहता है, कोई दोस्त नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, मैं इन सब से दूर चला जाऊंगा अपने शहर खंडवा में। इस बदसूरत शहर में भला कौन रहे। कहते हैं मौत से पहले उन्हें आभास हो गया था कि जल्द ही वो दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। किशोर कुमार की बेटी अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दिन उन्होंने सुमित को स्विमिंग के लिए जाने से रोक दिया था और वो इस बात को लेकर भी काफी चिंतित थे कि कनाडा से मेरी फ्लाइट सही वक्त पर लैंड करेगी या नहीं। उन्हें हार्ट अटैक संबंधी कुछ लक्षण तो पहले से ही दिख रहे थे, लेकिन एक दिन उन्होंने मजाक किया कि अगर हमने डॉक्टर को बुलाया तो उन्हें सच में हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगले ही पल उन्हें सच में हार्ट अटैक आ गया। निधन के बाद किशोर कुमार का अंतिम संस्कार खंडवा में ही हुआ। BCN न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।